हर चीज खास है अब है जो है सगी तो रबा है अब है जो है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं संडे पे कॉल करने के लिए आ गया स्कूटी सर्विस करवाने सर्विस सेंटर, होंडा के सर्विस सेंटर। और अभी एक महीने पहले सर्विस करवाई थी स्कूटी की, लेकिन कुछ पार्ट्स चेंज करवाने थे जो पापा ने वापस भेज दिया चेंज करवाने के लिए। सो आज हमारा संडे यहाँ पे व्यतीत होगा, बोरिंग संडे। सो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। सो स्कूटी लगा दी है, पीछे दिख रही होगी मैरून कलर में। सो 16वां नंबर है, वेट करते हैं स्कूटी का। और गाइस, ये चल रहा है एक्सचेंज ऑफर होंडा में। स्कूटी ले जाओ, मतलब कोई सी भी होंडा की बाइक ले जाओ, और पुरानी वाली ले जाओ, नई वाली ले जाओ। दिखाते हो इसके ऊपर जाके फीचर सब। सो गाइस, होंडा लीवो 110 सीसी में मिलेगी आपको, 3500 तक सेव कर सकते हो। जस्ट फ्यू यूनिट्स अवेलेबल, एक्सचेंज बोनस है 1500। एक्सचेंज बोनस में आपको 1500 का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाइक तो सही लग रही है। सही है बाइक, होंडा की बाइक है। मीटर कंसोल भी अच्छा है। सो लेके आइए अपनी पुरानी बाइक और लेके जाइए चमचमाती नई बाइक। मैंने अभी पापा को ऐसे मजाक में बोला कि मैं स्कूटी ऐसे एक्सचेंज करवा रहा हूँ, बाइक लेके आ रहा हूँ। पापा गुस्सा करने लगे, कह रहे कि नहीं, मुझे स्कूटी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पापा मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है स्कूटी को लेकर, 5 साल हो गए स्कूटी को। मैंने बोला एक्सचेंज हो गया करवा लो, नहीं आ जाएगी। बार बोले कि नहीं, मेरी स्कूटी तो 5 लाख की बिकेगी, पता नहीं कैसे। और गाइस, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सीधा यहीं पर आ गया। अभी टाइम हो रहा है 1:42 और उसने टाइम तो बताया, उसने बताया है टाइम, वैसे कुछ भी लिख देते हैं, 4:30 लिख रखा है, 4:30 कुछ भी। और बिल बिठाया 3400। क्लच प्लेट वगैरह चेंज होगी, सो 3400 का बिल है। सो वेट ही कर सकते हैं, वेट करते हैं। मैं अकेले बैठा हूँ, संडे का टाइम है, अभी लंच चल रहा है इनका, लंच पता नहीं कब तक होगा, बाकी पूरा खाली है वेटिंग एरिया। अकेले बैठा हूँ, थोड़ी देर में देखेंगे कुछ खा के आते हैं, समोसे वगैरह। सो गाइस, 2 बज चुके हैं और कुछ खा के आते हैं। सामने लिट्टी चोखा की दुकान दिख रही होगी आपको, सो चलते हैं खा के आते हैं। टाइम लगेगा सर्विस होने में। कैसे प्लेट भैया? 30 रुपये एक प्लेट लगा रहा हूँ। हाँ 30 रुपये की क्या घी? हाँ एक प्लेट वेले तो बना दो। पानी है सर? पानी है पीछे, आते ने तला। ये है चोखा, ये मैं भी खाऊंगा यार, बहुत भूख लगा है। और चटनी आपको खाना है? खा लिया लिट्टी चोखा, पेट फुल हो गया। अब थोड़ा तो टाइम भी लग जाए चलेगा, कुछ पेट में चला गया। सो सही है, सो वेट देखते हैं कितना करना पड़ता है। अभी टाइम हो गया 2:32, ज़्यादा टाइम बचा, आधा घंटा और। आज संडे है ना, इसलिए ज़्यादा भीड़ है।
टाइम हो रहा है 3:40 और अब जाकर सर्विस कंप्लीट हुई है, सब स्कूटी लेते हैं और चलते हैं वापस घर। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, बस पॉलिश मार रहे हैं स्कूटी पर, फिर लेके चलते हैं। सो गाइस स्कूटी आ गई है फाइनली, 4 बजे आई है स्कूटी और सीधा घर जाके मिलता हूँ आपसे। सो मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, घर जाके सीधा खाना खाते हैं और चलते हैं घर। देखा पूरा दिन निकल गया इसी में, मुझे पता था पूरा दिन जाएगा क्योंकि संडे थी, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। सो चलते हैं अब घर सीधा। सो गाइस फाइनली घर पहुँच चुका हूँ, अब सबसे पहले खाते हैं खाना क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो ये कटहल की सब्जी और चावल सब खाना खाते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस खाना खा लिया, अब रखते हैं थाली को। मम्मी खा रखी है कीर्तन में, गली में ही कीर्तन हो रहा है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:42, मैं तो कुछ कर नहीं रहा था लेकिन पापा एक बहुत मस्त काम कर रहे हैं, सबको सबको दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। तो गाइस देखो ये हल्दी है, ये पापा इसमें, पापा लगे हैं मसाले पीसने में, अभी हल्दी पीस रहे हैं क्योंकि हम घर पे पिसा हुआ मसाला ही खाते हैं, बाहर का यूज नहीं करते पापा। क्या बोल रहा था मैं कह रहा था हम घर पे पीस के मसाला खाते हैं, रॉ मटेरियल्स ले आते हैं, हल्दी वगैरह, जो हल्दी धनिया वगैरह मिर्च वगैरह, और घर पे ही मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, सो वही मसाला यूज़ करते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा होता है घर के प्रोडक्ट यूज़ करना, इसलिए हम ऐसे करते हैं। वैसे खाना पीना खा लिया, आप चलते हैं ऊपर, और गला बिल्कुल जाम हो रखा जो हल्दी वाला दूध पीते हैं, गला जाम हो गया क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और मैं बिना स्वेटर वगैरह के चला गया था, आज शाम में आया वापस, तो हवा लगी है गर्दन में इसलिए गला जाम हो गया। तो आप लोग भी मफलर वगैरह का यूज़ करो, मैंने तो गलती करी, आप लोग मत करो। और चलते हैं ऊपर, फिर वीडियो करते हैं, दोबारा दूध ले लिए, ये पीते और गला सही करते हैं। गाइस ऊपर अपने रूम में आ गया हूँ, अब एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। और पता नहीं यार क्या हो गया, आप लोगों ने वीडियो पे बिल्कुल रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दिया है, और प्यार दिखाओ यार वीडियोस पे, जैसे रिस्पॉन्स पहले था वैसे रिस्पॉन्स चाहिए वापस से। जो बंदे नहीं देख रहे हैं यार वीडियो देखो, कीप सपोर्टिंग मी यार, बिगिनर हूँ, सपोर्ट चाहिए आप सभी का और आगे कंटिन्यू करने के लिए व्लॉग्स। सो ऐसे मेरे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय। एक फालतू का ऐप डाउनलोड होते के साथ ना कमी तो है तुम्हारे खाए, तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी हमारा साथ, कभी